दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाएं खुले आसमान के नीचे व बारिश के बीच पहाड़ी सामान बेचने को लेकर मजबूर हैं। शनिवार को सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच इन ग्रामीण महिलाओं द्वारा छतरियों व तिरपाल के सहारे सोलन के चिल्ड्रन पार्क के बाहर पहाड़ी सामान व व्यंजन की प्रदर्शनी लगाई गयी। इन महिलाओं का कहना है कि अगर प्रशासन द्वारा इनके लिए छत की व्यवस्था हो जाती है तो उन्हें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हर शनिवार को यहां प्रदर्शनी लगाई जाती है, लेकिन बारिश होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मेरा नाम उमा शर्मा है और मैं डढोक गांव से हूं। हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है जिसका नाम गंगा है, उसमें मैं सेक्रेटरी हूं। और इस ग्रुप को मिलाकर 7-8 ग्रुप को एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम लक्ष्मी ग्राम संगठन रखा गया है, जिसकी मैं प्रधान हूँ। तो हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हैं, तो सर जी जब उससे हम इससे जुड़े तब से हमारे को बहुत फायदा हुआ, पर आज हमारे को बहुत दिक्कत आ रही, बारिश की वजह से बहुत दिक्कत आ रही। हम अपना सामान बेच नहीं पा रहे और हमारे जो भी कस्टमर हैं वो भी आज बहुत कम आ रहे हैं। तो हमारी हाथ जोड़कर अर्ज है सरकार से कि हमारे लिए छत का इंतजाम करे। हमारे को यहाँ पर आज बहुत ही मुश्किल समय आ रहा है और हमारा सामान खराब हो रहा है, इसलिए सब महिलाएं बहुत दुखी हो रही हैं। घड़ी घड़ी की छतरी खोल रही है, बंद कर रही है सर, और हम यहाँ पे ठंड से बीमार होने का खतरा है सर, फिर भी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं हिम्मत करके सर। इसलिए हमारी ये जो भी चीज़ है खराब ना हुए, क्योंकि हमारे को एक ही दिन मिला है सरकार की तरफ से, तो हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे को एक की बजाय दो दिन मिले तो फिर भी हमारे को कुछ फ़ायदा हुए, क्योंकि आजकल मौसम ठंड का है सर। हम बीमार हुए, कहीं ये खराब हुए हमारे, हमने बहुत मेहनत से की हुई, मक्की का आटा है ये तो देखो कितना खराब हो जाएगा अगर ज़्यादा ही बारिश आ जाए सर, तो हमारा आज का दिन बहुत घाटे में जा रहा है। मेरा नाम ममता ठाकुर है, मैं भोजनगर से रोशनी सहायता समूह जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत खुला है, तो आज हम लोगों को ये बारिश के मौसम जो बना है उसकी वजह से हम लोगों को सामान को करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है। इसकी वजह से अगर हम लोगों को ये छत की व्यवस्था हो जाती तो हम लोगों का काम और आसान होता। हर शनिवार को ये जो स्टॉल लगती है उसमें इस शनिवार को तो ये भगवान ने कुछ अच्छी बार ऐसी परिस्थिति बना दी है कि हम लोग मुश्किल हो रही है, कैसे हम अपने सामान को वो करेंगे। टेबल की चार्जिंग भी देनी है, अगर हम शाम तक नहीं बैठेंगे तो हम कैसे इस टेबल की चार्जिंग भी पूरी करेंगे। तो हमें ब्लॉक वालों से रिक्वेस्ट है कि हमें सर ढकने के लिए कुछ इंतजाम काम करने के लिए हम लोगों को बहुत अच्छा एक जरिया दिया है, पर मतलब बारिश में हम लोगों को दिक्कत है, ये दिक्कत हमारी अगर दूर की जाए तो। आप ये चाहते हैं कि आप कि हमें सर ढकने के लिए हमें कुछ मिल जाए, इंतजाम हो जाए तो हमारा काम चल पड़ेगा, क्योंकि हमें ये जो स्टॉल लगी है इसके टेबल के चद्दर के हर एक चीज़ की हमें ये इसकी वो देनी पड़ेगी, चार्जिंग देनी पड़ेगी, तो हम कैसे करेंगे अगर स्टॉल आधे में ही छोड़ के जाएंगे तो हमारी चार्जिंग भी कैसे पूरी हो। नमस्कार, मेरा नाम रीता है और मैं गाँव बसाल की हूँ। तो आज देखो हम इतना सामान जो अपने घर से लेके आए हैं तो बारिश की वजह से हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ऊपर यहाँ पे छत भी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सरकार हमें छत की व्यवस्था कर दे। और हम आज घर से बहुत काफ़ी सामान लेके आए हैं, यहाँ पे ठंड में खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमें छत के लिए थोड़ा इंतजाम हो जाए। और जो टेबल का किराया है ये भी निकालना मुश्किल हो रहा है हमें यहाँ पे बारिश में, तो जो हमारे पास अभी देखो कोई भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं सामान लेने के लिए बारिश की वजह से, तो हमारा सामान ऐसे ही रह जाएगा, मतलब मुश्किल हो रही है हमारे को बारिश में यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ व्यवस्था कर दी जाए सरकार की तरफ से, तो हमारा सामान ताकि बारिश से भी बच जाए। हम काफ़ी सामान लेके आए हैं तो सारा सामान खराब होने के ही यहाँ पे चांस है, मतलब बारिश में मुश्किल हो रहा है हमें यहाँ पे, तो आगे हम क्या करना चाहिए, कुछ हमारे लिए जो इंतजाम हो जाए तो अच्छी बात है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।
पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।